मैं जिस चीज के बारे में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, दैट विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट द मोस्ट. याद है पिछले व्लॉग के एंडिंग में मैं आप लोगों को एक स्पेशल पैकेज के बारे में बता रहा था. When was the last time we said cheese? We'll have to meet Elon Musk for this. Oh God, I see. तो यही दिल करता रोज करूं. तो करो. बस बीच में थक जाता हूँ ना. गुड आफ्टरनून एवरी वन. आज का व्लॉग हम शाम को स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मैंने दोपहर में भी एक व्लॉग किया था और वो व्लॉग ऑलरेडी आ चुका है. बट अभी मैं एक्चुअली जो कर रहा था वो है ये. चेक दिस आउट. मैं खुद के शॉर्ट ग्रामर नोट्स बना रहा था बिकॉज अगर आप लैंग्वेजेस सीखते हो आपको पता है कि ग्रामर इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशली स्टार्टिंग में. जब आप बिगिनर रहते हो तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने के लिए मेनली ग्रामर एक बैकबोन होता है और ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर भूली जाती है. मेरा तो वीकनेस हमेशा ग्रामर ही रहा. वोकैबुलरी मैं समवॉट मैनेज कर लेता हूँ बिकॉज वो बस रेपिटेशन और मेमोराइजेशन होता है. ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो अगर रिवाइज नहीं की तो आसानी से भूली जा सकती है. इसीलिए मैं यूट्यूब से थोड़े से वीडियोज़ देख के नोट्स बना रहा था. और एक और चीज़ जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ. आई नो कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों ने जापनीज सीखना चालू किया है और जो भी मुझे जापनीज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें से नंबर वन क्वेश्चन होता है कि कौन सी बुक फॉलो की जाए. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बट मिन्ना नो निहोंगो नाम की टेक्स्ट बुक मैं रेकमेंड और फॉलो करता हूँ. ये उसका पार्ट टू है जो अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है. इसका पार्ट वन सारे बिगिनर्स को रेकमेंडेड है और मैं जिस चीज के बारे में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ दैट विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट द मोस्ट. निहोंगोल नाम का एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है जो एक लड़की जिसका नाम रोज है वो चलाती है और उस चैनल पे आप लोगों को मिन्ना नो निहोंगो के सारे ग्रामर टॉपिक्स एलैबोरेटेड वे में मिलेंगे. इसीलिए अगर आपके पास एक जापनीज टीचर अवेलेबल नहीं है, अगर आपको जापनीज खुद से ही सीखनी है, प्लीज़ उस चैनल को जाके एक बार देखो. और वो जो चैनल है उस चैनल पे लेसन वाइज ग्रामेटिकल टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं. सो लेसन वन, लेसन टू, ऑल द वे अप टू लेसन 50, हाईली रिकमेंड. याद है पिछले व्लॉग के एंडिंग में मैं आप लोगों को एक स्पेशल पैकेज के बारे में बता रहा था. दिस इज़ दैट स्पेशल पैकेज. अब आई एम श्योर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर क्या है बट खुशखबरी है हम इसका एक छोटा सा गिव अवे भी करने वाले हैं. पिछले 8 साल से मैं स्पीड क्यूबिंग में बहुत इंटेंसली घुस गया हूँ और एज अ रिजल्ट मैं क्यूबिंग इंडस्ट्री को काफ़ी हेविली फॉलो करता हूँ. और जैसे ही कोई नया क्यूब लॉन्च होता है या एक नया स्पीड क्यूब आता है तो मुझे इंस्टेंटली पता चलता है. और इस बॉक्स के अंदर जो क्यूब है उसका नाम है मोयू मेलोंग 3C. अब ये एक बजट वर्जन क्यूब है. यही कारण है कि मैंने इसे ऑर्डर किया. मुझे देखना था कि एक बजट स्पीड क्यूब कितना अच्छा हो सकता है और मोयू जो ब्रांड है वो स्पीड क्यूबिंग की दुनिया में एक बहुत फेमस ब्रांड है. हियर वी गो. यहाँ पर दो आइडेंटिकल स्पीड क्यूब्स हैं और ये क्यूब अभी मैंने हाथ में पकड़ा है और मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक नॉर्मल 57mm क्यूब नहीं है. दिस इज एक्चुअली अ स्मॉलर क्यूब. इसके फ्रंट को अगर आपको देखना है दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. और पता है क्यूबिंग ना मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है बिकॉज वो मेरे चाइल्डहुड में एक बहुत स्पेशल मेमोरी होल्ड करती है. इसीलिए जब मैंने ये ऑर्डर किया मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को भी एक क्यूब गिफ्ट करना है. सो आप में से एक लकी विनर को मैं ये क्यूब सेंड करूंगा और मैं भी एक पर्सनलाइज नोट लिखूंगा जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे. एंड और आप में से जो भी ये क्यूब जीता है मे भी अगर आपको स्पीड क्यूबिंग या इन जनरल एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना नहीं आता तो मे भी इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप सीख पाओगे. बट गिव अवे के इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दूंगा. बाय द वे ये एक स्टिकरलेस 3x3 क्यूब है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. फर्स्ट इंप्रेशंस, वाओ वाओ ये बहुत ही अच्छा है. This is insane. ये मेरा नया खिलौना होने वाला है और जिस प्राइस के लिए मुझे ये क्यूब मिला उस प्राइस के हिसाब से इस क्यूब का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू गाइस टू सी दिस. और इस क्यूब का साइज जो है ना वो भी एकदम परफेक्ट है. अगर आप 100 क्यूबिंग भी करते हो ये उसके लिए भी काफी अच्छा है. और स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स होने के लिए आई एम वेरी हैप्पी यार. मैं पता है लकीली जस्ट इन टाइम आर्यन के यहाँ पर पहुँचा. एक तो उसकी नई बिल्डिंग किधर है वो मुझे याद नहीं है बट या एनीवेज अभी पुणे में
केसेस बढ़ने की वजह से सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक कर्फ्यू रहता है, और 6 बजे के बाद हर जगह बैरिकेड्स लगने चालू होते हैं। और अभी जब मैं आया उन्होंने वो बैरिकेड जस्ट लगाने चालू किए थे, सो जस्ट इन टाइम मैं पहुँचा। और अपेरेंटली रात के 8 बजे के बाद देयर इज अ कम्प्लीट लॉकडाउन, सो तब तो बाहर निकल ही नहीं सकते। हेलो आंटी, मैं हूँ। यो फिर से नहीं, दिस दैट इंसिडेंट। नील, हाँ नील डन कम नहीं, इट्स ओके। ओ बॉक्सेस फाइनली ये कर दिया। वेट, यहाँ पर कुछ था ना आर्यन लास्ट टाइम? बॉक्सेस नहीं, ओ दैट, वो नीचे जमीन पे था। वाओ यार आर्यन, ये देख जो मैंने ऑर्डर किया था ना, मोयू, सो गुड ना। मोयू मेलोंग 3C। It'll take me a while to get used to it. Not my type. No? I think it's too smooth for me. मैंने कुछ किया भी नहीं है, this is straight out of the box. मोयू मेलोंग? मेलोंग. I think the Aulong is better than this. Aulong. हाँ तेरे पास Aulong V2 था. Or maybe I've just not cubed in a while, so इसलिए. हम कुछ दिनों के बाद ना एक क्यूबिंग वीडियो बनाएंगे, लाइक स्पीड क्यूबिंग। इट बी फन, इट बी क्लोज आल्सो। उस दिन अमन सर के घर पे हम दोनों क्यूब कर रहे थे नॉन स्टॉप ऐसे 10 मिनट के लिए, तब काफी क्लोज कंपटीशन हुआ था। इट बी फन। एक और टिप आप लोगों के लिए, अगर आप स्पीड क्यूबिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो एक ट्रिक है आपके क्यूब को बेहतर बनाने के लिए, एंड दैट इज दिस। आर्यन याद आया? Oh, yeah. हमारे छोटे छोटे हैक्स, ये लिवॉन हेयर सीरम क्रीम, क्या बोलते हैं इसे, लिवॉन हेयर सीरम, इट्स रिटन ना, सीरम, लिवॉन सीरम, ये आप अपने क्यूब के अंदर डाल सकते हो। अब क्यूब को बस ऐसे ही मत खोलो, पहले लेयर को 45 डिग्रीज रोटेट करो, उसके बाद जो मिडिल पीस रहता है, मिडिल पीस को आप इस तरीके से निकाल सकते हो और अपने क्यूब के अंदर थोड़े से लाइक दो तीन चार टू मच थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया, बट दो ड्रॉप से काम चल जाता है। और फिर आप इस पीस को वापस ऐसे इंसर्ट कर सकते हो एंड आपका क्यूब बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है तो मोस्ट स्पीड क्यूब्स की जो सेंटर कैप्स है वो पॉप आउट होते हैं। तो ऐसे सेंटर कैप खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रू दिखता है, उससे आप टाइटन या लूज कर सकते हो और उससे अपने क्यूब का थोड़ा सा टेंशन एडजस्ट कर सकते हो, टू कस्टमाइज इट। नाउ मच बेटर, या दैट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ना। ब्रिटानिया चीज क्यूब स्टिल नॉट बेटर देन लाफिंग आउट। लाफिंग आउट इज माय फेवरेट, लेकिन वो इंडिया में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही ओवर प्राइस्ड है, तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। माय मॉम गेट्स इट फ्रॉम दुबई, सो स्टिल ओके, इट्स वे बेटर देन अमूल चीज। इसे प्लेन चीज कौन खाता है? धीरे धीरे, स्मॉल स्मॉल बाइट, 1 आवर में आई विल फिनिश इट। व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी सेड चीज? चीज आई डोंट नो ब्रो, बहुत पहले। ऐसे प्लेन ही हुआ? नहीं रे, प्लेन नहीं, पानी के साथ। यक, ओके, नॉट नो, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग, थोड़ा सा दूर डालूंगा। अरे ये क्यों ले रहा है? मैंने बहुत टाइम से चौकोस नहीं खाया। अगर आपको याद है बचपन में, मतलब अभी भी मिलता होगा, बट चौकोस स्मैक्स करके खाता था, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट था। उसमें ऐसे कॉफी का एक अरोमा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड सेकंड फेवरेट ये है मून्स एंड स्टार्स। ब्रो बट देन रॉकेट में बैठना पड़ेगा ना, इफ यू वांट टू ईट दिस यू हैव टू मीट इलॉन मस्क फॉर दिस। पता है अभी इतना अजीब लग रहा है क्योंकि सिर्फ 8:30 बज गया, पर ऐसा लगता है कि रात के 11:30-12 बज गया, बिकॉज सब कुछ इतने जल्दी बंद हो रहा है, दिन भी इतना छोटा हो रहा है, क्या कुछ बाहर नहीं निकल सकते। तूने वर्कआउट किया क्या? मैं 10 बजे करूंगा, 10-11। आज क्या ट्रेन कर रहा है? मेरा हो गया है, वरना साथ में करते। I have pull but I can't do pull-ups. I can't do back. I'll have to do barbell rows. क्यों? There's no pull-up bar. Barbell rows करना पड़ेगा and then biceps. Biceps I did yesterday also but I purposely did less क्योंकि आज भी करना था। कल साथ में push करेंगे फिर। Okay, so दो चीजें। सबसे पहले मैं जस्ट गिव अवे की बात कर रहा था, उसके बारे में मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट करूंगा ऐसे ही क्यूब के साथ कैजुअल, कुछ मे बी अगर मुझे ओल्ड वीडियोस या फोटोज मिलेंगे तो वो इंक्लूड करूंगा, और उसमें आपको 3 दोस्तों को टैग करना पड़ेगा और मैं एक रैंडम विनर सेलेक्ट करूंगा, और उस विनर को सिलेक्ट करने के बाद आई विल DM यू, आप मुझे अपना एड्रेस दोगे और मैं आपको स्पेशली एक 3x3 क्यूब सेंड करूंगा। और नंबर 2, मैं इस स्पेसिमेन के साथ जल्दी ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करने वाला हूँ, और वहाँ पर आप हमें कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो फॉर अ Q&A वीडियो। या हमने लास्ट Q&A वीडियो कब किया था? इसके शायद इसके इंग्लिश चैनल पे लास्ट किया था, एक साथ, दैट वाज 1.5 इयर्स अगो।
तो वापस मजा आएगा। मैंने ट्राई भी नहीं किया, मेरे आंखें को नहीं नहीं, आई कांट कीप माय आईज ओपन फॉर दैट लॉन्ग, दर्द करने लगता है। आई हैव अ वियर्ड टैलेंट दैट वे, आई रिमेंबर दैट इंस्टाग्राम फिल्टर में भी आई हैड केप्ट इट ओपन फॉर लाइक 1000 सेकंड्स। ओह रिमेंबर दैट फिल्टर व्हाई यू ब्लिंक, हां आई डन इट फॉर 1000 सेकंड्स, यूजलेस टैलेंट। सो ये होगा आज का डिनर, वी बॉट अ लॉट ऑफ बटर चिकन। सूरज भैया के लिए एक लाइक, ये हमेशा हमारे लिए बटर चिकन बना दे, थैंक यू। हम दोनों बटर चिकन खाएंगे, चार पांच चपाती खाएंगे, आर्यन आई थिंक ब्रेड के साथ खाएगा। बट अब आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम आयुष कामले। हाउ डू यू गेट मोटिवेशन टू मेक वीडियोस एंड टू गो टू द जिम रेगुलरली विदाउट फेल? सो सबसे पहले मेरा मानना है कि इफ यू लाइक डूइंग समथिंग, आपको मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहती। आप फॉर एग्जाम्पल अभी जिम लो, जिम को इफ यू थिंक अबाउट इट एज अ पार्ट ऑफ फन, काम के जैसे मत सोचो, इफ यू थिंक अबाउट इट एज फन, उन लो दिनों पे जब आपको जाने का मन नहीं करता तभी भी आप जाओगे, बिकॉज आप जिम करते वक्त एंजॉय करते हो, राइट? सो अगर आप ऐसे सोचना चालू करोगे, यू वॉन्ट रियली नीड मोटिवेशन। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं है तो डिसिप्लिन रहना चाहिए एंड स्टफ, वो इन अ वे सच है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उस चीज से एक्चुअली अटैच रहते हो देन यू वॉन्ट नीड मोटिवेशन। आपको कुछ बोलना है सूरज भैया मोटिवेशन के बारे में? सब गिर गया, चालू करो वापस, आपको मजा आता है जी, जब करता हूँ एक दो दिन जब करता हूँ तो यही दिल करता है रोज करूँ, तो करो, बस बीच में थक जाता हूँ बहुत ज्यादा भैया। अभी ये देखो भूगी भैया घर पे ही ट्रेन करते हैं, इसके साथ वर्कआउट करो, अभी आज रात को करना है क्या ये करने वाला है? मैं तो करूंगा कल। हाँ अभी क्यों, कल क्यों आज क्यों, कल से करूंगा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल जिम्स बंद हो गए, राइट? क्या मुझे ऐसा लग रहा कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मैंने स्टिल 100% दिया और ट्रेनिंग अच्छे से की, क्यों? बिकॉज आई एक्चुअली लव ट्रेनिंग। सोया नहीं खाते, सोया मैं बोलता हूँ आंटी को लाने के लिए, वो ला के रख दो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बार देखो, आप अभी 30 तारीख को जाना है, अच्छा आप जा रहे होगा, उसके पहले बना के दूंगा फिर। आप देखो आप हमारे लिए बटर चिकन बना के देते हो हमेशा, इस बार मैं आपके लिए सोया बना के लाऊंगा, ठीक है? आपको पसंद आएगा।